पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादायः पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवै नमः। मित्रों, इस श्रृंखला में हम स्वस्थ कैसे रहें इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। आयुर्वेद जो हमारा विज्ञान है उसमें रोग होने के बाद जो दवा दी जाती है वो तो है ही, उसके पहले ही हम स्वस्थ कैसे रहें और हम बीमार हो ही नहीं, हमारी बीमारी नहीं हो, ये सबसे पहले हमें सिखाया जाता है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि लोग अब दूसरी चीज़ों पर तो बहुत ध्यान दे रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य के प्रति ध्यान हट गया है, स्वास्थ्य के प्रति लोग इतने सजग नहीं हैं। अब थोड़ी सी लोगों में सजगता बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है, ये एक अच्छी बात है। सबसे पहले व्यक्ति का स्वास्थ्य है जो परमात्मा ने हमें दिया है, ये परमात्मा का मंदिर है, हम इस पर देख रेख पर उचित ध्यान दें तो कभी बीमारी नहीं पड़े। मित्रों, जितने पशु पक्षी हैं जो जंगल में रहते हैं, नेचुरल लाइफ प्रकृति के साथ सानिध्य में रहते हैं, आपने कभी उनको बीमार होते हुए नहीं देखा होगा। वो कोई किसी डॉक्टर वैद्य के पास दवा लेने के लिए नहीं जाते हैं। हम भी अगर प्राकृतिक जीवन जिएं, प्रकृति के सानिध्य में रहें तो निश्चित रूप से बीमारी होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन आज लोग स्वास्थ्य के प्रति कोई जागरूक नहीं है। खाने पीने का, सोने उठने का, हम क्या खा रहे हैं ये भी नहीं देख रहे हैं कि हमें क्या खा रहे हैं, क्या हमारे लिए गुणकारी है कि नहीं है। पेट को लोग एक कचरा पात्र की तरह समझ लेते हैं, जो भी आया गुणकारी है या हानिकारक है इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, सीधा पेट के अंदर डालते हैं। मित्रों, ये स्वाद की ग्रंथियाँ जीभ के ऊपर ही है, पेट के अंदर कोई स्वाद महसूस नहीं होता है। लेकिन थोड़े से स्वाद के लिए एक तो हमारा पेट खराब होता है, और जो पेट खराब होता है तो ये पावर हाउस की तरह है, जैसे पावर हाउस में पावर जेनरेट होता है वो सब जगह प्रकाशित करता है, इसी तरह अगर हम पेट को खराब कर लेंगे तो हर तरह की बीमारियों का घर है। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि जितने भी लोग हैं वो एक बार दवा लेते हैं ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनकी जीवन पद्धति जो है, लाइफ स्टाइल अगर गड़बड़ है, और फिर वो वापस वैसे ही चलते हैं और वापस बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कृपया आप अपनी जीवन पद्धति को सुधारें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हमारा यही उद्देश्य है कि आप स्वस्थ कैसे रहें। अगर आप इस पर ध्यान दे करके कुछ लाभ उठाते हैं तो हमारे प्रयास की सार्थकता है, यही सार्थकता है। सबसे पहले हम सोने उठने का हमारा कोई टाइम नहीं है, सुबह हम देर तक सोए रहते हैं, रात में देर तक जाग के रहते हैं, ये भी एक प्रकृति के विरुद्ध है। रात हमारे सोने के लिए बनाई है, रात्रि के अंदर में हम देर में खाना खाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं, ये भी एक गलत तरीका है। खाना खा करके अगर हम सीधे सो जाएंगे तो वो खाना पेट के अंदर सड़ता रहेगा, वो खाने का पाचन, भोजन का पाचन नहीं होगा। जब भोजन का पाचन नहीं होगा तो उसमें गैस बनेगी, खाना पेट के अंदर सड़ेगा, गैस बनेगी, उससे विभिन्न बीमारियां पैदा होगी, गैस ऊपर उठेगी, सर दर्द होगा, कई तरह के दर्द पैदा होंगे। आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे 80 प्रकार के रोग सिर्फ वात की को कुपित होने के कारण 80 प्रकार के रोग हो सकते हैं। वो सब होने का कारण हमारा है कि पेट है। सबसे पहले हम रात्रि के अंदर में खाना खाते ही सो जाते हैं, खाने का पाचन नहीं होता है। दूसरी चीज़, हम खाना खाते ही पानी पीते हैं, वो धीरे धीरे हमारी जठनागनी को मंद करता है। सबसे खाना खाने के बाद तुरंत पानी कभी नहीं पीना चाहिए। हम भोजन करने के उपरांत कम से कम 1 घंटा तक हमें जल का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजनांते विषमवारी, भोजन के तत्काल उपरांत हम पानी पीते हैं, वो जहर का काम करता है। भोजन करने के बाद कम से कम 1 घंटा बाद हमें पानी पीना चाहिए, वो हमारे लिए पाचन में सहायक होता है। जैसे
भोजन करने के बाद में जो जठराग्नि है, भोजन को पाचन के लिए जो क्रिया शुरू होती है, अगर हम उसके अंदर पानी डाल देते हैं तो वो ऐसे ही हो जाता है जैसे हवन कुंड के अंदर में एक लोटा पानी डाल दिया तो वो अग्नि को मंद कर देता है। धीरे धीरे क्या होता है कि भूख लगनी कम हो जाती है, पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है व्यक्ति की, और जब पाचन क्रिया कमज़ोर होगी तो निश्चित रूप से कई तरह की उपद्रव पैदा हो जाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पिएं, और रात्रि में कम से कम आप खाना खाने के बाद 1000 कदम चले, पैदल चलें। आप पैदल चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो खाना पचाने में सहायक हो जाएगा। तो सबसे पहले आप खाना खा करके और रात्रि के अंदर पानी नहीं पिएं, 1000 कदम आप चल करके आवें, घूम करके आवें। सुबह प्रातःकाल आप जल्दी उठें, उषापान करें, उषापान में गर्म पानी का सेवन करें, वो आपकी कई बीमारियों को मिटाता है। इसके बाद सुबह की हवा, प्रातःकालीन जो है मॉर्निंग वॉक, प्रातःकालीन भ्रमण करेंगे। सुबह के समय ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहती है हवा के अंदर, तो आप अगर भ्रमण करेंगे तो 100 दवा और 1 हवा, वो सुबह की हवा है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप भ्रमण करके आएंगे, इसके बाद में आप उचित स्थान पर खुले वातावरण में बैठ करके कुछ योगासन प्राणायाम अगर करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम बात है। प्राणायाम के अंदर भस्त्रिका करिए, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, ब्राह्मणी करिए, ये जितने भी प्राणायाम आप करेंगे तो ये स्वास्थ्य के लिए सूक्ष्म चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त आप खाने के अंदर में जो खाना खाते हैं सुबह एकदम अच्छे से नाश्ता करिए, और ख़ास करके जो आपकी हितकारी चीज़ें हैं। नुकसान क्या होता है कि आज हमें ये पता नहीं है, हमारी माता बहनों को, हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ, हम क्या खिला रहे हैं। कभी ऐसा काम पड़ता है, जाते हैं बाहर में तो देखते हैं कि माताएं अपने बच्चों को खुद खरीद करके वो कुरकुरे वो लटर पटर खिलाती रहती है। ये जो बस स्टैंडों पर, रेलवे स्टेशन पर जो कढ़ाइयाँ चढ़ी रहती है, कहीं समोसे, नमकीने, पकौड़ी, कचौड़ी, वो तली जाती है, वो पता नहीं वो तेल कब का गर्म हो रहा है। हो सकता है वो 10-15 दिन से वैसे ही चल रहा है, तेल ठंडा हो रहा है, फिर दोबारा उसी को गर्म करते हैं। का ये निश्चित बात है कि तेल अगर एक बार गर्म कर लिया उसके बाद में अगर वो ठंडा हो जाता है तो दोबारा उसको गर्म नहीं करना चाहिए, दोबारा वो तेल खाने के लायक नहीं रहता है। फिर उस तेल को और दूसरे काम में वेस्टेज करिए, वो खाने के लायक नहीं। अगर तेल एक बार गर्म आपने कर लिया तो दूसरे उसके अंदर जो भी आपने सामान बना लिया, लेकिन दूसरी बार अगर उस तेल को गर्म करते हैं और उसके अंदर कोई सामान बनाते हैं तो वो आपके लिए जहर का काम करता है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये सार्वजनिक जगहों पर जो ये जो ठेले वाले लगे रहते हैं, कई चीज़ें बनाते हैं, खुशबू आती है, लोग खाते हैं, लेकिन वो नहीं देखते कि ये तेल कितना दिन से चल रहा है। उसके अंदर तेल कम होता है, उसी के अंदर दूसरा डाल देते हैं, वो ठंडा हो जाता है रात के अंदर, दूसरे दिन फिर उसी को गर्म करते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम हमारे शरीर के लिए खाते हैं, नुकसानदायक चीज़ क्यों खावें, हितकारी चीज़ खावें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, जो हमारे लिए गुण करे। दूसरी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कहा गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। युक्तियुक्त हम आहार और युक्तियुक्त विहार, युक्तियुक्त सोना और जागना, और हमारा आचरण जो यह है अगर सही युक्तियुक्त होगा तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरी चीज़, हम यह नहीं देखते हैं कि यह हितकारी है कि अहितकारी है। जो चीज़ फायदेमंद है, जैसे हमारे लिए जो है सुबह का नाश्ते के अंदर हम अंकुरित चीज़ खावें तो वो फायदेमंद है, फल लेवें तो वो फायदेमंद है। आज अगर जो फल बेचने वाले रहते हैं, हम बच्चों को वो नहीं दिलाते, हम कुरकुरे कहेंगे ये मैगी खाओ, बच्चों को कहेंगे मैगी खाओ, अरे भाई ये मैगी, ये नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन के अंदर में, खाने के अंदर ये चीज़ें हमेशा नुकसानदायक है। एक तो मैगी में क्या है, मैदा है, तो मैदा हमारे कोई गुणकारी नहीं है, कोई उसमें फायदे की कोई चीज़ नहीं है, मैदा कभी भी नहीं खाना चाहिए। मैदा क्या होता है, उसमें गुण नाम की कोई चीज़ नहीं, और आंतों में जाके वो चिपट जाता है, आंतों में चिपका हुआ मल को कुपित करता है, कब्ज़ की शिकायत पैदा करता है। और दूसरा, नमक उसमें डाला हुआ रहता है, थोड़ी सी टेस्ट के लिए बच्चों को हम मैगी खिला देते हैं, हम ये नहीं जानते ये नुकसानदायक चीज़ क्यों खिला रहे हैं। आज इतने फल है, सब्जियाँ है, सलाद है, दूध है, दही है,
जितनी चीजें हमारे इतने परमात्मा ने जो गुणकारी चीजें दी है तो उसको तो हम प्रकृति के अनुसार तो नहीं खिलाते हैं, और उसको कहेंगे मैगी खा लो, तो ये मैगी कौन सी चीज खाने की चीज़ है, हम ये नहीं देखते हैं खाने की है कि नहीं है, उसको देख लिया पैकेट है भाई एक मिनट में तैयार हो जाएगा, एक मिनट में होएगी, अब नुकसान थोड़ी कर लेंगे अपना। तो इस तरह की चीज़ों से को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि बाहर की चीज़ें आप इस्तेमाल क्यों करते हो, आप घर में बनाओ। आपका जब घर है सात्विक भाव से शुद्ध चीज़ें जो घर में बनती है, एक तो मैदा कभी भी मत खाइए, मैदा हमेशा नुकसान करता है, ज़्यादा ये चीनी और नमक है ये भी नुकसान करता है। इसके अलावा ये जो है आपके इसका रिफाइंड तेल है ये आपको नुकसान करता है। ये नुकसान जो भी करती चीज़ें हैं उसको आपको नहीं खाना चाहिए। तेल को गर्म कर लिया वापस ठंडा करके फिर गर्म करते हैं, वो कभी भी नहीं खाना चाहिए। जो सात्विक चीज़ें हैं घर में, जो सात्विक आहार बनता है, भले ही रात की रोटी उसको सुबह खाइए ना, दूध के साथ रोटी खाइए, क्या नाश्ता बनेगा जोरदार। इसके अलावा जो आपके जो अंकुरित अनाज है, अंकुरित चने हैं, घोड़े जो ताकत कैसे नापी जाती है, जो मशीन की ताकत है, मोटर की और इंजन की ताकत नापी जाए, इतने हॉर्स पावर का इंजन है, हॉर्स पावर घोड़े को घोड़े की ताकत से ताकत की तुलना की जाती है, घोड़ा ताकतवर होता है। तो ये जो घोड़ा क्या खाता है, चना खाता है, तो चना होता है ताकतवर, पौष्टिक होता है। अंकुरित चना खाइए, अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित मूंगफली के दाने खाइए, अंकुरित चीज़ें खाइए। तो ये अंकुरित चीज़ें जाकर के इसके अंदर में विटामिन है, प्रोटीन है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, सब चीज़ें जो आपके शरीर के लिए गुणकारी है, पौष्टिकता प्रदान करती है, तो वो सब चीज़ें खाइए। और इसके अलावा जो चीज़ें नुकसान करती है वो अवॉइड करिए। तीसरी चीज़, आप जो भी चीज़ लाते हैं शुद्ध सात्विक लाइए घर के अंदर में। जैसे रसोई घर के अंदर जो मसाले हैं वो सब दवाई है, आपको जीरा है, धनिया है, सौंफ है, अजवाइन है, मेथी है, हींग है, ये सभी चीज़ें हैं वो एक औषधि है। वो ऐसे मत समझिए कि स्वाद के लिए है, स्वाद तो है अलग अपनी जगह है, लेकिन वो सब औषधियाँ हैं, वो शरीर के अंदर जाके हमें विभिन्न तरह के फायदे करती है वो। इसी तरह घर के अंदर जो है आप जहाँ तक हो मसाले घर के अंदर ला के बनाइए, कूटी हुई चीज़ें मत लाइए। जैसे कूटी पीसी हुई रहती है तो उसका कोई भरोसा नहीं रहता है भाई सही है या गलत है। जहाँ तक हो सकता है अपने बना सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो घर में ला के उसको पिसाइए, घर में ला करके करेंगे उसको बनाएंगे, शुद्ध सात्विक चीज़ रहेगी, घर का आटा रहेगा, घर की चीज़ बनाएंगे, सात्विक भाव से बनाएंगे और भगवान को प्रसाद लेकर के लगा करके भोग लगा के आप खाएंगे तो उसका आनंद ही अलग आएगा। तो ये बाहर की चीज़ों को आप अवॉइड करिए। आप ऐसा सोचिए कि हम जो खा रहे हैं खाली पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हैं, हम इस तरह की जो चीज़ें खाएं हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करें। आजकल क्या है वो देखते हैं लोग चेहरे के ऊपर बड़े बड़े पाउडर लगा लेते हैं, अरे उससे क्या होता है, कुछ ऐसी आप दिनचर्या ही रखिए कि अपने आप आपका चेहरा चमके। ज़रूरत ही नहीं है क्या ये आलतू फालतू चीज़ लगाने की, ये करने की कंपनी आई है तो ऐड करती रहती है। तो इस तरह की ये जो चीज़ें जो नुकसानदायक है उससे आप बचिए। दिनचर्या को इस हिसाब से बनाइए कि आपको कोई तरह की तकलीफ़ नहीं हो, दवा लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी निश्चित रूप से। और ये जो चीज़ें जो नुकसान करती है, एक चीज़ आपको है विरुद्ध आहार से भी बचना चाहिए। जैसे एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ जो सूट नहीं करती है, शादी ब्याह में हम जाते हैं कई तरह की आजकल वेराइटियाँ रहती हैं, उसके अंदर में एक के साथ दूसरी चीज़ विरुद्ध आहार भी होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सब खा लेते हैं, ये भी खा लिया वो भी खा लिया, ये देखनी चाहिए कि इस चीज़ के साथ में वो चीज़ सूट करती है कि नहीं करती है। हम दूध भी पी रहे हैं, हम क्या होता है चाट भी खा रहे हैं, चाट है वो इमली है, अमचूर है, उसके अंदर क्या क्या वो डाली हुई है वो सब खा लिया, चाट खा लिया, दही भी खा लिया, और उसके बाद में वो क्या होता है कि दूध भी पी रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, वो रबड़ी भी खा रहे हैं। और भाई एक चीज़ लो, आपको क्या चीज़ सूट करती है वो चीज़ लो। दूध के साथ दही का विरुद्ध आहार, तेल के साथ घी विरुद्ध आहार माना जाता है, दूध के साथ में मूली है, प्याज है, ये विरुद्ध आहार है। ये चीज़ें एक साथ में नहीं खानी चाहिए, वो जाकर के बाद में तकलीफ भी पाते हैं। लोग कहते हैं अरे बड़ी तकलीफ हो गई खाना खा के आते हैं, अरे खाना आपको देखना चाहिए कि किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ है वो विरुद्ध आहार है, वो चीज़ उसके साथ नहीं खानी चाहिए, उससे आपको बचना चाहिए। वो भी क्या होता है कि आपकी जठराग्नि को मंद करता है, चर्म रोग को आमंत्रित करते हैं हम खुद। चर्म रोग क्यों होता है कि हम विरुद्ध आहार खाते हैं, एक चीज़ के साथ अगर दूसरी चीज़ जो सूट नहीं करती है वो खाते हैं तो उससे ये हमारे स्थिति गड़बड़ पैदा होती है। इसलिए
हमें विरुद्ध आहार से बचना चाहिए। पुनः मैं ये आप सबको दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ और ये कामना आपके सबके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, भगवान सबको स्वस्थ रखें। धन्यवाद।